अरे विकी मैम कहाँ जा रहे हो? शिनचैन मैं और चॉप जा रहे हैं भाई, तो इस घर में आज से अकेला रहे, मजे कर, देखो जो करना है कर। अरे विकी मैम कब जाया कर रहे हो? अरे देखो तो पता है यार, चॉप यार किसी भी चीज को टच करता है तो वो बन जाती है गोल्ड की। तो यार मतलब यार हम तो यार और कहीं नए वाले घर में जा रहे और हम तुझे लेके नहीं जा सकते क्योंकि यार तू यार बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो तू यहाँ पे अकेला रहे और हम यहाँ से जा रहे। तेरे पैसे वैसे हमने थोड़े अंदर रख दिए, खाना वाना खा लियो, जो करना है कर। चल चॉप बैठते हैं, अपन यहाँ से निकलते हैं। आओ चलो फ्रैंकलिन चलते हैं बाबा शिनचैन। चलो श्री शिनचैन मिलते हैं कभी ना कभी, तो मिलेंगे शायद कभी नहीं मिलेंगे। अरे विकी मैं रुकूं तो सही। अरे हाँ चल ठीक है, बाय बाय। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं हमारे नए नए घर में क्योंकि यार चॉप ने सब चीजों को गोल्ड में कन्वर्ट कर करके इतने सारे हमें पैसे मिल चुके कि हमने यार नया घर खरीद दिया। तो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी फटाफट से हम जाने वाले हैं अपने नए घर में जिसका नंबर है 1954। और इस घर में हम आ चुके, ये हमारा होने वाला आज से नया नया घर। चॉप और मैं इधर से फुल मजे करके रहेंगे और चॉप के पास अभी भी वो पावर है, वो किसी भी चीज को टच करता तो वो गोल्ड की बन जाती है। तो यार वैसे तो अभी हमारे बहुत सारे पैसे और गोल्ड पड़े, अभी हमें कुछ चाहिए नहीं, पर अगर कुछ चाहिए भी होगा तो चॉप हमारे को कन्वर्ट करके दे देगा। गाइस यार देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा घर है और सामने पूरा का पूरा समुंदर का व्यू आ रहा है। तो यार कुल मिला के बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, देख सकते हो कितना मस्त मस्त स्विमिंग पूल है। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, बाय बाय। अरे गाइस ये क्या हो गया? पिंकी बहन तो मुझे छोड़ के चली गई, चैप भी मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अब मैं कैसे रहूंगा अकेला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई। अरे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं तो अकेला हो गया, क्या करूं? पिंकी बहन के पास भी नहीं जा सकता यार, क्या करूं? अरे गाय कैसे आ गई यहाँ पे? अरे ये क्या चल रहा है? अरे ये गाय तो गिर गई, अरे मुझे इसको बचाना पड़ेगा। अरे गाय रुको रुको मैं आ रहा हूँ उसको बचाने। अरे ये तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अरे लो सीधी हो जाओ। अरे तुम ठीक तो हो ना? आओ यार घर पे पानी पी लो, मस्त स्विमिंग पूल बनाया हमने पानी पीने के लिए, ले लो पानी पी लो। अरे गाय सर ये तो पानी पीने लग गई। अरे पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है फेंकी फेंकी बस कैसे जाऊँ यार, वो मुझे आने भी नहीं देंगे। क्या करूँ? अरे इस गाय ने ये क्या कर दिया? अरे ये क्या, अरे ये क्या हो गया? अरे इसकी टट्टी में से इतना सारा धुआं क्यों निकल रहा है? अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये धुएं में क्या हो रहा है? मेरे को बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे गाइस सर वो गाय कहाँ चली गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अरे ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे सर में और दर्द हो रहा है। अरे मैं क्या करूँ, मुझे फेंकी मैं के पास जाना है। एक काम करता हूँ, किसी की गाड़ी चुरा के फेंकी मैं के पास चले जाता हूँ। अरे अंकल रुको रुको, अरे ने तो मुझे भेज दिया। अरे अंकल मुझे फेंकी मैं के पास जाना है, मुझे गाड़ी दे दो ना अपनी। अरे अंकल तो पीछे जा रहे हैं। अरे अंकल रुक जाओ ना, रुको इनको निकाल के फेंकना पड़ेगा। अरे अंकल हटो मुझे जाने दो। अरे गाइस सर अभी उन्होंने अंकल को भगा दिया। चलो यार फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ के फेंकी मैं के पास चलते हैं, मुझे फेंकी मैं के पास जाना है। अरे ये क्या हो गया, ये गाड़ी का कलर कैसे चेंज हो गया? ये क्या हो गया, मेरी आंखें खराब हो गई क्या? अरे नहीं ये तो डायमंड है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अरे मैंने इस गाड़ी में जैसे बैठा ये डायमंड की बन गई। अरे मुझे लगता है वो जादू ही गाय थी, उसकी यार मैं टट्टी में गया था, मुझे मैजिक मिल गया। अरे रुको रुको मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है फेंकी बहन के पास जाने का। फेंकी बहन जॉब को इसलिए लेके गए क्योंकि यार उसके पास गोल्ड करने की पावर है, तो मेरे पास भी डायमंड करने की पावर है। चलो फटाफट से चलते हैं। अरे गाइस इस प्लेन को मैं चेंज करने वाला हूँ डायमंड में, और ये तो हो भी गया। अरे गाइस अभी इस प्लेन को मैं लेके जाने वाला हूँ फेंकी बहन के घर में और उनको दिखाऊंगा कि मैं भी अब किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाएगी, फिर फेंकी बहन और हम साथ में रह पाएंगे। चलो चलो फटाफट से इस प्लेन को उड़ा के फेंकी बहन के घर पे लेके चलते हैं। फेंकी बहन अरे मैं, अरे गाइस चलो आपके साथ एक गेम खेलते हैं। अगर आप एक नूब तो आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, पर आप एक प्रो तो आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, पर आप एक हैकर ग्राउंड सबसे खतरनाक प्लेयर तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सबका सब कर दोगे। तो देखते हैं इस गेम में कौन जीतता है, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना आप कौन हो। और ये हम फेंकी बहन के घर पे आ गए। फेंकी बहन, ओ फेंकी बहन मैं आ गया। अरे फेंकी बहन कहाँ पे, उनकी गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। अबे तू कहाँ से आया शिनचैन? अरे फेंकी बहन ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। अबे क्या लेके आए? अरे फेंकी बहन मुझे यार खतरनाक सी शक्तियाँ मिल गई है, मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है। है अबे तू पागल मत बना, मैं तेरे को अपने साथ नहीं रखने वाला। अरे फेंकी बहन सच में मैं यार एक प्लेन लेके आया आपके लिए डायमंड का, चलो देखते हैं। अबे ये प्लेन सच में तू लेके आया क्या, इतना ज्यादा बड़ा, वो भी पूरा डायमंड का? अरे फेंकी बहन आपका विश्वास नहीं ना, रुको अभी मैं करके दिखाता हूँ। अरे हाँ करके दिखा करके दिखा। अरे भाई साहब ये तो सही में हो गया। अबे शिनचैन तेरे को तो बहुत ही खतरनाक पावर मिल गई है। अरे फेंकी बहन मैंने तो ये बोला ही था आपको पहले ही। अरे सही में यार गाइस इसके पास तो बहुत ही खतरनाक सी पावर आ चुकी है, देखा भाई इसने यार अभी इस गाड़ी को डायमंड का कर दिया। शिनचैन तू तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। अरे फेंकी बहन थैंक यू, मैं इतना भी खैस नहीं। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। अरे मेरे पास शिनचैन बहुत मस्त मस्त प्लान है, फटाफट से बैठ मेरे साथ। आओ मुझे पता लगा चलाओ। अरे हाँ चॉप तू घर में बैठना, हम आते हैं। तो गाइस यार अभी हम यहाँ पे आ चुके, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान आया। मैं यार अभी यार यहाँ पे जो भी पत्थर पड़े होंगे ना उन सबको जमा करने वाला हूँ और फिर शिनचैन को टच करवाऊंगा, फिर वो पत्थर बन जाएंगे डायमंड की। मतलब प्लान तो ऐसा है, अब होगा कि नहीं वो भी पता चल ही जाएगा। तो फटाफट से यार पहले बहुत सारे पत्थर जमा कर लेते हैं, शिनचैन को मैंने बोला पत्थर जमा करने के लिए, फटाफट से
जमा करते हैं, फिर उन सबको डायमंड में कन्वर्ट करने की मजे आएंगे, और ये हो गया तो फिर तो हम लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। तो शिनचैन शुरू हो जाए। ठीक है फिकी, मैं शुरू हो जाते हैं। डायमंड से इसको टच करते हैं, इसको भी टच करते हैं, अरे डायमंड का बन जाए, अरे तू भी डायमंड का बन जाए, अभी सबको टच कर दूंगा, ये ले इसको भी डायमंड कर देते हैं, और इसको भी डायमंड कर देंगे, सारे के सारे पत्थरों को डायमंड का कन्वर्ट कर देंगे हम, ये लो। अरे काइजर, ये शिनचैन ने तो कर दिया। काइजर आप देख सकते हो भाई, सारे के सारे पत्थर को चेंज कर दिया डायमंड के अंदर, और जो है वो तीन पत्थर लाइन में खड़े कर रहे थे ना, उनका तो पिरामिड बना दिया डायमंड का। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक काइजर, हमें यार पावर मिल चुकी है इतना सारा डायमंड, चलो फटाफट से गाड़ी में डालते इस डायमंड को, और यार बहुत ही सारी चीजें अब तो मैं खरीद सकता हूँ, मजे आएंगे। तो काइजर मेरे पास यार बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान और आ चुके हैं, और वो सब भी मैं करने वाला हूँ। पहले तो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा नया घर खरीदना है, मतलब यार वो वाला घर तो हमने यार चौक के गोल्ड से खरीदा, पर अब शिनचैन के एक डायमंड से घर भी तो खरीदना जरूरी है। तो फटाफट से हम घर खरीदेंगे, और उससे पहले एक दो काम और है वो भी करते हैं। तो गाइस सर, ये है एक नॉर्मल सी बस, मतलब यार इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर शिनचैन जब इसमें बैठेगा तो आपको तो पता ही है क्या होने वाला। शिनचैन फटाफट से बैठ जा, फटाफट से ये शिनचैन बैठा सीट पे, और ये बस बन गई डायमंड की। भाई डायमंड की बस आपने आज तक कभी नहीं देखी होगी, पूरी की पूरी डायमंड से बनी हुई है। और अब आप सोच रहे हम इस बस का करेंगे क्या, ये एक उड़ने वाली बस। अब आपको बता दो ये उड़ती कैसे, उससे पहले हम थोड़ी सी गाड़ी उठा लेते हैं। तो गाइस सर ये देख सकते हो, ये बस यार उड़ने लग गई है, और ऊपर है मेरे बॉस सर एक गाड़ियां भी रख दी, वो भी पूरी की पूरी डायमंड की। जो भी एक शोरूम में मैं घुसा, जो भी मुझे गाड़ी अच्छी लगी मैं फटाफट फटाफट खरीदी, और शिनचैन को सबको टच करवाया, और वो सब डायमंड की हो गई। और ये देख सकते हो हमारे पास डायमंड की बस हो चुकी है, और तीन तीन डायमंड की कार हमारे ऊपर हम ऐसे लेके घूम रहे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक यार मजा आ रहा है इस बस को चलाने में, मतलब डायमंड की बस यार कोई सोच भी नहीं सकता। तो गाइस सर ये हमारा नया नया घर, जो कि ये पूरा का पूरा माउंटेन के ऊपर बना हुआ, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माउंटेन के ऊपर हमने ये घर लिया। अभी आपको लेकर चलता हूं, दिखाता हूं हमारे घर कितना ज्यादा खतरनाक है। ये देख सकते हो, पहली तो यार यहां पे स्विमिंग पूल है, मतलब सोचो यार, मतलब इतने बड़े माउंटेन पे स्विमिंग पूल कैसे हो सकता है। माउंट चिलियार्ड के हमने ऊपर यार एक घर लिया है, बहुत ही ज्यादा महंगा घर है, आपको इसकी मैं प्राइस बताऊंगा, आप यार इसको देख के गैस करो आपको क्या लगता है कितने मिलियन का होगा, मतलब मिलियन से नीचे तो हो ही नहीं सकता मतलब यार। और यहां पे देख सकते हो गोल्ड पड़ा है, पैसे पड़े हैं, डायमंड पड़े, क्योंकि अपने पास गोल्ड डायमंड की तो कमी है ही नहीं। शिनचैन किसी भी चीज को टच करता है तो वो डायमंड की बन जाती है, और यार चॉप किसी भी चीज को टच करता है तो गोल्ड की बन जाती है। ये हमारा बाथरूम, अभी आपको लेके जाता हूं हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे छोटा सा जिम बना हुआ है, और ऊपर भी बहुत ही बढ़िया सा हमने जिम बना रखा है। यहाँ पे देखो ये एक और बाथरूम, और यहाँ पे अपना ये बेडरूम, और यहाँ पे देखो कितना मस्त बेडरूम है, और ये अपना टीवी सोफा और ये बाकी सब चीजें, और बाहर एक और स्विमिंग पूल है, मतलब यार एक यार माउंटेन मेंशन वैसे ही इतना खतरनाक है, और उसमें दो दो स्विमिंग पूल भी है, और यहाँ पे यार मस्त चिल करने का एरिया, फुल पार्टी वार्टी करने का एरिया। यहाँ पे देख सकते हो आगे भी यार यहाँ पे बालकनी जैसा टाइप का कुछ बना रखा है, यहाँ पे बैठ के हम फल फ्रूट खा सकते हैं, फुल मजे कर सकते हैं। और ऊपर ऊपर है हमारा हेलीपैड, मतलब जहां पे हमारा हेलीकॉप्टर पड़ा है, ये हमारा गोल्डन हेलीकॉप्टर जो कि हमें जॉब ने दिया था, डायमंड वाला हेलीकॉप्टर यार शिनचैन लेके भाग गया नाने को दीदी से मिलने, पर कोई बात नहीं हमारे पास गोल्डन वाला हेलीकॉप्टर तो है ही। तो गाइस फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो आपको ये घर कैसा लगा, और इसकी प्राइस है पूरे पूरे 800 मिलियन डॉलर, मतलब यार आप सोच ही सकते कितना ज्यादा महंगा ये। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।